अफगानिस्तान को मिला नया कोच। अफगानिस्तान ने अपने फेसबुक और अपनी वेबसाइट के ऊपर एक अफगानिस्तान की अवाम को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और नया कोच का नाम अनाउंस किया है। कहां से ये कोच है, कितने मैचेस खेले हैं, क्या यह बंदा बहुत अच्छा कोच है या फिर बहुत अच्छा कोच नहीं है, मुकम्मल डिटेल में आप लोगों को बताता हूं। मगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको इस तरह की खबरें जो है पाकिस्तान से देखने को मिलती रहती हैं, चाहे वो अफगानिस्तान क्रिकेट हो या फिर इंडियन क्रिकेट या पाकिस्तान क्रिकेट, तो आपको यहां से ऐसी खबरें देखने को मिलती रहती हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइए। तो अफगानिस्तान को मिली है बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि अफगानिस्तान के पिछले कुछ अरसे में तकरीबन आप कह लो कि जब से तालिबान का आप कह लो हुकूमत आई है अफगानिस्तान के अंदर, तब से अफगानिस्तान को हमेशा से ही अपने कोचेस की प्रॉब्लम रही है। पहले लैंस क्लूजनर उनके कोच थे, फिर उन्हें पाकिस्तान के कुछ कोच को आजमाने की कोशिश की, फिर एक इंग्लैंड के हैं उनको आजमाने की कोशिश की। अब मुझे सबके नाम तो याद नहीं है, लेकिन स्टिल अफगानिस्तान ने 4-5 कोचेस बदलने के बाद लास्ट टाइम जो कोच थे वो यूनुस खान और उमर गुल थे, लेकिन वो टेंपरेरी कोच थे। लेकिन अब जो है परमानेंट हेड कोच का ऐलान कर दिया है अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने कि भाई अब उनका कौन सा परमानेंट हेड कोच होने वाला है। चलते हैं उसकी तरफ। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि साउथ अफ्रीका में पैदा होने वाले, जो कि पैदा साउथ अफ्रीका केप टाउन में हुए, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से काफी ज्यादा मैचेस खेले और इंग्लैंड की तरफ से ही वो खेलते हैं। मैं बात कर रहा हूं जोनाथन ट्रॉट की। जोनाथन ट्रॉट को आपने शायद नाम सुना हो, शायद आप जानते भी हो, 41 साल की इनकी उम्र है और यहां पर ये पहले इससे पहले भी काफी सारी कोचिंग जो है वो कर चुके हैं और इंग्लैंड की तरफ से काफ़ी अच्छी और काफ़ी लंबी क्रिकेट खेल चुका है। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इन्होंने 65 ODI के मैचेस खेले इंग्लैंड की तरफ से, जिसमें इनकी एवरेज जो है वो तकरीबन 44 से ज़्यादा की रही है। उसके अलावा अगर टेस्ट की बात करूँगा तो 52 टेस्ट मैचेस खेले हैं हमारी इंग्लैंड की तरफ से और 52 टेस्ट मैचेस के बाद इन्होंने 7 T20 के मैचेस खेले। अफगानिस्तान को जितना बड़ा मसला पेश आ रहा था पिछले कुछ अरसे से, क्योंकि उनके कोचेस में कोई भी ऐसा परमानेंट कोच उनको नहीं मिल रहा था, लेकिन अब अफगानिस्तान की ये कोशिश के जोनाथन ट्रॉट को लाया जाए और जोनाथन ट्रॉट जो है वो वैसे भी इंग्लिश कोच है, तो इंग्लिश कोच जो है उनको अफगानिस्तान के प्लेयर्स को ला के देना, ये अफगानिस्तान का फैसला गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के प्लेयर्स को हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं उनको शायद इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी समझ में नहीं आती। तो जब आपका नेशनल लेवल का कोई कोच होगा या फिर आपका नेशनैलिटी आपका कोई अफगानिस्तान का आपको कोई पख्तून कोच होगा, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि असगर अफगान को भी आप जानते हैं कि क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, उनके पास भी एक अच्छा मौका था कि वो भी कोचिंग कर सकते थे और अपनी जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का ये फैसला अफगानिस्तान के लिए अच्छा साबित ज़रूर हो सकता है, लेकिन उससे भी अच्छा साबित होता अगर ये हमारे अफगानिस्तान के ही किसी कोच को या पाकिस्तान से किसी कोच को परमानेंट कोच बनाते अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का। मुझे नहीं पता कि क्यों आखिर उमर गुल को परमानेंट कोच नहीं बना दिया जाता, क्योंकि उनकी कोचिंग भी ज़्यादा बुरी नहीं है, अच्छे खासे फास्ट बॉलर हैं, थोड़ा बहुत बैटिंग वगैरह भी कर लेते थे, तो उमर गुल जो थे वो एक आइडियल थे, वरना असगर अफगान से बेहतर तो शायद ही मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि असगर अफगान से बेहतर भी कोई कोच हो सकता था इनके लिए, क्योंकि हमने इस तरह पहले भी बहुत देखा कि एक जब प्लेयर दूसरी टीम का कोच होते तो वो लीग्स भी खेल रहा होता है। हमने किस काफ़ी दफ़ा इस दफ़ा देखा कि असगर अफगान भी भले ही वो लंकन प्रीमियर लीग खेल रहा हो, भले ही वो अफगानिस्तान की लीग खेल रहा हो, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर असगर अफगान अगर कोच बनते अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए तो अफगानिस्तान को डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा फायदा हो सकता था। ऑल द यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अफगानिस्तान की तरफ से एक अपडेट दी गई है, जिसमें यहाँ पर जोनाथन ट्रॉट जो है उनको अफगानिस्तान का परमानेंट हेड कोच बना दिया गया है। इस बारे में अब तक जोनाथन ट्रॉट का तो कोई ट्वीट नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का कहना है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट का कहना है कि वो जोनाथन ट्रॉट से बात कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो चुका है, मल्टी ईयर की ये डील है जिसके अंदर जोनाथन ट्रॉट जो है वो यकीनन बहुत जल्दी आपको शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई इस तरह की बात करते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। आप लोग को अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए ताकि आपको उसका जवाब जो है वो टाइम टू टाइम देखने को मिलता रहे। सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाइएगा। मेरा नाम है मोहम्मद यार, मिलते हैं तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।